friends, welcome to success session pro. So this is the 10th part of the chapter comparing quantities. So let's get started. So kya given hai question mein, hum log read karna start karte hain. By selling a stool for rupees 67.50, a shopkeeper loses 10%. मतलब अगर एक स्टूल को जब एक शॉपकीपर सेल करता है फॉर 67 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो शॉपकीपर को कितना लॉस होता है? 10% का. ठीक है, और क्या गिवन है? हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लूज बाय सेलिंग इट फॉर ₹82.50, मीन्स ₹82.50. ठीक है, तो पूछ कह रहे कितना परसेंट वो गेन करेगा या लूज करेगा अगर वो स्टूल को शॉपकीपर 82 रुपीज एंड 50 पैसे में सेल करता है. ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअली इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट को आप रीड करिए. बाय सेलिंग अ स्टूल फॉर ₹67.50 अ शॉपकीपर लूजेस 10%. तो ठीक है, पहले क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में लिख लेते हैं. सो सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 67.50, दैट इज ₹67.50. ओके, एंड और क्या गिवन है क्वेश्चन में? लॉस परसेंट. लॉस परसेंट कितना है? 10%. ठीक है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोग को पता है. जब लॉस परसेंट गिवन होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या है? 67.50. 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस. ठीक है, 67.50 is equal to 100 minus 10%, that is 90%. So 90 by 100, because if we remove the percentage, then it is divided by 100 into cost price. ठीक है, तो हम लोग cost price find कर सकते हैं आप इस method से. Cost price is equal to 67.50 into 100 divided by 90. Decimal को remove करेंगे तो divided by 100 आ जाएगा. So 100 एंड 100 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल हो गया. सो कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आएगा ₹75. आप लोग कैंसिल करके देख लेना इसको, ये कैंसिल हो जाएगा इजिली 9 से. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हम लोग का? ₹75. ठीक है, अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ. अब क्या बोल रहा है? हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लूज. तो आपको फाइंड क्या करना है? गेन परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करना है. ठीक है, और सेकेंड पार्ट में सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? रुपीज. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? ₹82.50. तो हमें ये समझना है इस क्वेश्चन में कि देखिए कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा. गिवन क्या था क्वेश्चन में? कि अगर वो सेल करता है 67 रुपीज एंड 50 पैसे में, तो उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. ठीक है, बट अगर वो 82 रुपीज एंड 50 पैसे में सेल करेगा, तो उसे क्या होना चाहिए? वो पता करना पड़ेगा ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो उस केस में कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो यहां पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आया हम लोग का? 75 रुपीज. और सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? 82 रुपीज एंड 50 पैसे. तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दैट इज प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है आपको. तो सबसे पहले आप गेन निकाल सकते हैं. हमें साफ दिख रहा है यहां पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. एसपी क्या है? 82.50 माइनस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹75. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेन? दैट इज ₹7.50. 7.50 रुपीज. अब हम यहाँ गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं. गेन परसेंट क्या होगा? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन बाय सीपी इनटू 100. ठीक है, तो गेन का वैल्यू ₹7.50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 75 into 100. Why we are multiplying it with 100? Because if we are calculating the percentage, then we will multiply it with 100. Okay, so 100 and 100 cancel. So 75 one here, 75 and 10. So what is the value of gain percent? That is 10%. So देखा हम लोग कितना easily answer आ चुका है हम लोग का. वही basic सा formula selling price का बहुत ही times use हो रहा है, और इस formula को आप basic percentage का formula से भी relate कर सकते हैं. सेलिंग प्राइस की जगह क्या होता था? न्यू वैल्यू. कॉस्ट प्राइस की जगह क्या होता था? ओरिजिनल वैल्यू. और यहाँ माइनस लॉस परसेंट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज की वजह से जो भी परसेंटेज वैल्यू गिवन है, उससे न्यू वैल्यू कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है.
तो यस, अगर लॉस परसेंट गिवेन होता है तो सेलिंग प्राइस हमेशा कम आता है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस का न्यू वैल्यू था और कॉस्ट प्राइस की जगह ओरिजिनल वैल्यू था, और यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट या डिक्रीज परसेंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ चुका है बिल्कुल ईजिली। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, बाई सेलिंग अ टॉवल फॉर रुपीज 126 रुपीज 90 पैसे अ शॉपकीपर लूजेज 6%। ठीक है, तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देखो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं नहीं इजिली सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले से। ठीक है, वो तो कर लेंगे हम लोग, अभी पूछ क्या रहा है देखते हैं। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, तो पूछ रहा है आपसे सेलिंग प्राइस टू गेन 4%। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गेन परसेंट गिवन है कितना 4%। ठीक है, तो अभी इसको आप प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करिए। सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, फॉर हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस, तो यहाँ पे आपसे पूछा था गेन परसेंट और लॉस परसेंट का वैल्यू, और गिवेन क्या था सेलिंग प्राइस। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गेन परसेंट दे दिया है और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो हम लोग को बिल्कुल उस प्रीवियस क्वेश्चन के मेथड से ये अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके मदद से। ठीक है, तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 126.90, लॉस परसेंट का वैल्यू 6%। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस क्या लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तभी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट 126.90 इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, सो 100 माइनस 6% दैट इज 94%। सो 94/100 बिकॉज इफ यू आर रिमूविंग द परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या आ गया इनटू सीपी, कॉस्ट प्राइस ही तो फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 126.90 इनटू 100 डिवाइडेड बाई 94। तो यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, इनटू 100 आएगा, तो 100 कैंसिल। अब जब इसको सॉल्व करोगे 126.90 डिवाइडेड बाई 94 करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹135। तो ये क्या आ गया आपका ₹135, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका है। ठीक है, अभी देखिए, अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मूव करते हैं, फॉर हाउ मच शुड ही सेल, तो पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस टू गेन 4%। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गेन परसेंट गिवन है दैट इज 4%। और वही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि यहां पे भी कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। गिवन क्या है, एक सेलिंग प्राइस दिया तो उसमें बोल रहा था अगर वो 126 रुपीज 90 पैसे में सेल कर रहा है तो उसे लॉस हो रहा है, तो अब उसे अगर गेन परसेंट चाहिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गेन परसेंट का वैल्यू मतलब गेन हो रहा है, तो उसे कितना में सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले के हेल्प से हम इजिली सेलिंग प्राइस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखते हैं 100 माइनस वहाँ पिछले फॉर्मूले क्या था, 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि वहाँ लॉस गिवन था, यहाँ पे गेन गिवन है, तो 100 प्लस गेन परसेंट ऑफ व्हाट, ऑफ सीपी। ठीक है, ठीक है, तो पुट करते हैं हम लोग वैल्यूज को, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सो 100 माइनस गेन परसेंट कितना है 4%, तो 100 प्लस 4 दैट इज 104%, सो 104 डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 135, सो कैंसिल करते हैं हम लोग, 5 टू जो 10 3 5 7 जो 35, 5 टू जो 10 0, ओके, फिर से कैंसिल करते हैं, 2 10 जो 20, 2 5 जो 10, 2 2 जो 4, जो आप जब इसको सॉल्व करोगे 52 × 27 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 1404 डिवाइडेड बाय 10, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा ₹140.4। तो ये 140.4 क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द शॉपकीपर और द सेल्समैन शुड सेल द टॉवल फॉर ₹140.4 सो दैट इन ऑर्डर टू गेन 4%। तो यहाँ आपका सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या आ गया है ₹140.4, दैट इज 140 रुपीज़ एंड 40 पैसे। ठीक है,
तो देखा हम लोग ने वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। फॉर टिल नाउ थैंक यू वेरी मच।